हरे कृष्णा। तो आज एक अलग टाइप सा क्वेश्चन आया था, अगर आप पढ़ोगे काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन उनको पूरा इमोशंस आप फील कर सकते हैं कि यहाँ एक लड़का है, वो पूरा जीवन भर गुजराती है, वेजिटेरियन है, कभी खाते नहीं, लेकिन नॉर्मल जैसे बाकी लोग इंडिया में, खास करके भले उनको वेजिटेरियन फ्रेंड्स जो है नॉन वेज हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुरा नहीं लगता है। फ्रेंड्स के साथ बैठते वो लोग खाते हैं नॉन वेज, सामने सामने आपस में कुछ नहीं फीलिंग होते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने भक्त का संग में आया, तो समझ जाते कि जो ये लोग भी करे गलत है, उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं है। और साथ साथ में क्रूरता जो देखते हैं तो उनको सहन नहीं कर सकते। तो उनका मम्मी भी कहते हैं कि आप भगवान का, कृष्णा का पूजा कर रहे हैं अभी घर पे, तो ऐसा आप भोग लगाते हैं, तो एक एक साइड में आप भगवान को खिलाते, एक प्रेम करते हैं, और दूसरे साइड में आप ये लोग के साथ कैसे बैठ सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि दूर रहना चाहिए। तो अभी उनका इश्यू या प्रश्न ऐसा है कि माइंडसेट में या फ्रेंड्स का कमिटमेंट के साथ फंस गया, कि पता है नहीं करने का, लेकिन साथ साथ में फ्रेंड्स को कैसे छोड़ो। पुराना टाइम में बैठते थे, अभी अभी नहीं बैठ नहीं पाया क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया। तो जैसे ज्ञान आया, दृष्टि जो है, विजन जो है, चेंज हो जाते हैं, तो समझ जाते हैं सही क्या, गलत क्या है, क्यों है, तो इसमें क्या करो। गीता का ज्ञान में कुछ बताया क्या? तो मुझे जैसे कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली सबसे सभी के लिए एक बड़ा परीक्षा है आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में। ये बिग चैलेंज है और ये बिग एग्जामिनेशन है हमारा लाइफ में कि हमको कृष्णा कितना चाहिए। कभी कभी हमारा दोस्त लोग आएंगे बीच में रुकावट का, रुकावट बनने का, कभी कभी खुद का फैमिली भी एक ऑब्स्टिकल बनेगा, लेकिन हम कितना दृढ़ हैं, कितना फोकस्ड हैं, कितना डिटर्मिंड हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। पुराना दोस्ती जो है, अगर हम सोचेंगे कितना उसका फ्रेंडशिप है, कितना है, अभी देखेंगे वो लोग हमको बुलाएंगे नॉन वेज खाने के लिए या रेस्टोरेंट में बैठने के लिए, लेकिन अगर हम उनको इनवाइट करेंगे मंदिर में, क्या वो लोग आएंगे, क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम बोलेंगे चलो जब भी करो ये अच्छा है, वो जो गीता के बारे में अगर हम सुनाते हैं, वो सुनेंगे नहीं। सो इट्स वन साइडेड फ्रेंडशिप, है ना, जो वो लोग कहते हैं हमको करना पड़ेगा, और अगर हम कहेंगे वो नहीं करेंगे, तो कैसे दोस्त लोग हैं ये। तो अभी जैसे हम लोग भक्ति में स्वीकार किया, तो धीरे धीरे ये सर्कल जो है भी बदलना, ये बदल जाते ही समझो जैसे कोई स्कूलिंग में कॉलेज में गए, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। कॉलेज से आप अगर वर्किंग में जाते हैं, तो फिर उसको भी फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। तो वैसे अभी पुराना जीवन से नया जीवन भक्ति मार्ग में स्वीकार किया, तो फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाते हैं। तो ये चिंता मत कीजिए, एक टेंशन नहीं लेने का, नया फ्रेंडशिप बनाओ, नया फ्रेंड्स बनाओ, डिवोटी के साथ डिवोटी का फ्रेंड्स बनाओ, तो थोड़ा बहुत वो चेंज होते ही रहते हैं, वो ये ज़रूरी है। जैसे हरि भक्ति विलास में लिखा कि शरणागति, अगर कृष्णा का शरण लेने का, हम लोग सभी यही प्रोसेस ना, भक्ति मतलब क्या, कृष्णा का शरण लेने का। तो शरणागति का षड अंग है या 6 अंग है शरणागति के। तो पहले 2 अंग है अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो चीज़ अनुकूल है भक्ति के लिए वो एक स्वीकार करना, और जो चीज़ प्रतिकूल है उसको दूर करना। उसके बाद में 4 और प्रिंसिपल आ जाते हैं। शायद नेक्स्ट टाइम में अलग से एक ऑडियो ये षड अंग शरणागति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो शुरुआत है कि जो चीज़ भक्ति के लिए अनुकूल है वो स्वीकार करना, और चीज़ प्रतिकूल उसको दूर रहना। तो आपका फ्रेंड्स अभी जो पहले आपका लाइफ में अनुकूल हैं, अभी भक्ति के लिए प्रतिकूल बन गया, तो प्रेम से प्यार से हाँ कैसे ना कैसे उसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, सत्संग असत्संग छड़ी, मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असत्संग जो असत लोग, जो अभक्त लोग, उसको थोड़ा दूर रहना ही पड़ेगा। कैसे? ऑटोमेटिकली भक्त लोग के साथ संग बनाओ, भक्त लोग के साथ का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बनाओ। सो दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द चैलेंज। हमारा लाइफ अभी जैसे भक्ति में आया, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत में आया, वी हैव अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सारे ट्रीज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो डोंट वरी, ये मतलब सच ही चाहिए, सही चल रहा है। फ्रेंड सर्कल तो चेंज करना ही है, ऐसा नहीं इसको दोष देने का या गाली देने का, कुछ नहीं। वो भी धीरे धीरे समझ जाते हैं कि उसका टेस्ट चेंज हो गया, अभी उसका जो पसंद था वो चेंज हो गया, अभी कृष्णा को पसंद कर रहा है। तो अगर वो लोग स्मार्ट हैं, वो लोग एक्चुअली फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं, आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, होटल में, सिनेमा है, ये है, वो है, जितना भी बकवास काम करते हैं, कम से कम वो लोग भी आपके साथ में टाइम स्पेंड करना, कि मंदिर जाने का, संडे संडे सत्संग में आने का, कीर्तन में बैठने का,
ओके, और अल्टीमेटली हमको याद करना है कि कृष्णा इज़ द बेस्ट फ्रेंड। भगवद गीता में कहते हैं, एक 5वां अध्याय 29 श्लोक, भोक्ताराम, ये पीस फॉर्मूला है जीवन में शांति कैसे मिलेगा। तीन चीज़ याद करना, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृद, सुहृद मतलब बेस्ट फ्रेंड, सर्वभूतानाम सभी जीव जंतु का भगवान ही बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में स्थित है। सो इफ वी आर वरीड, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरा पुराना फ्रेंड्स चेंज हो गया, फ्रेंड्स के बिना मैं जी नहीं सकते हैं, कृष्णा के साथ दोस्ती बनाओ। कृष्णा इज़ द बेस्ट फ्रेंड, गेट टू नो कृष्णा मो, कृष्णा के साथ रिलेशनशिप बनाओ। कैसे बनाएंगे? आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे, सत्संग कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्णा का नाम स्मरण करेंगे, कृष्णा को खिलाओ, कृष्णा को सुलाओ, कृष्णा को पिलाओ, जो भी है कृष्णा के साथ आदान प्रदान करेंगे। सो याद करना कि कृष्णा इज़ द रियल सुहृद, वेल विशर एंड बेस्ट फ्रेंड। हरे कृष्णा।